आप देख रहे हैं इंडिया अभी तक देश का चैनल, आपका चैनल। दोस्तों बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं रॉबिन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट पैंथर्स पार्टी कठुआ, चेयरमैन सर्वदल सेवा समिति कठुआ, जेके इंगेज कौशन का मैं सांबर जिला कठुआ का प्रभारी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आर नेशन और पार्टी ने हमेशा ही नशे के खिलाफ फाइट की है और करेंगे और कर रहे हैं। और आज कठुआ में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से एंटी ड्रग्स रैली ऑर्गेनाइज की गई। मुझे बड़ी हंसी भी आई और बड़ा दुख भी हुआ। एंटी ड्रग्स रैली में पार्टिसिपेट किया वाइन शॉपों के मालिकों ने, बार रेस्टोरेंट के मालिकों ने। एक डिपार्टमेंट वो है जो वाइन शॉपों के लाइसेंस इशू करता है। मैं एक्साइज डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो रैली निकाली, आपका मोटिव क्या था, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे कि शराब जो है वो समाज के हित में है, समाज के लिए अच्छी है। हम चाहते हैं कठुआ ड्रग्स फ्री बने, हम ये भी चाहते हैं कि कठुआ शराब मुक्त बने, जम्मू कश्मीर शराब मुक्त बने। इस शराब और ड्रग्स के कारण क्राइम बढ़ा है, हजारों लाखों घर उजड़ गए, औरतों के सुहाग उजड़ गए, बच्चों के सिर से बाप का साया चला गया। आप गरीब बस्ती में जाइए, मोहल्ले में जाइए, आपको पता भी है एक आदमी जो मजदूर आदमी गरीब आदमी 5-6 हजार रुपये महीना कमाता है, वो 150-200 रुपये उसमें शराब में रोज का दे देता है आपको। जब 200 रुपये की वो शराब पिएगा वो, तो उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, टेंशन में जीते हैं, वो बहुत सारे सुसाइड हुए, मर्डर हुए इस शराब और ड्रग्स के कारण। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि वाइन शॉप बार रेस्टोरेंट हाईवे से पीछे लेके चले गए। लोगों का विरोध जारी है, लोग नहीं चाहते कि वाइन शॉप एंड बार रेस्टोरेंट खुले। सरकार को लोगों का इंटरेस्ट देख के, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग एमएलए चुनते हैं, सरकार बनती है। जब लोगों की सरकार हो, सरकार का भी फर्ज बनता है कि लोगों का इंटरेस्ट देख के मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसके एंगेज्ड हैं और उनको ड्राई एरिया घोषित करना चाहिए। कठुआ में टोटली वायलेशन है लॉ की, मंदिरों के पास वाइन शॉप, स्कूल के पास वाइन शॉप, पब्लिक प्लेस पे वाइन शॉप, गुरुद्वारा के पास वाइन शॉप, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। हम बोलते हैं, बोलते रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक्साइज डिपार्टमेंट से कि अगर आप चाहते हैं समाज में हित में कार्य करना, हम सब जानते हैं कि शराब बुरी चीज, जो आज वाइन शॉप और बार रेस्टोरेंट वाले आपका सहयोग कर रहे थे एक्साइज डिपार्टमेंट का, सरेंडर करिए आप और आप भी के लाइसेंस कैंसिल करिए, छोड़ो, समाज के हित में कार्य करो। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ड्रग अब्यूज है पूरी तरह से कठुआ में पैर पसार चुका है, पूरे जम्मू कश्मीर में पैर पसार चुका है। हमारे कोई शरीर का हिस्सा खराब हो जाता है तो हम बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाते हैं, हमारे शरीर का हम मिसाल के तौर पर हमारा हाथ खराब हो जाता है, इसको लग जाती है कहीं, तो हम डॉक्टर को बोलते हैं यार हमारा हाथ ठीक कर दीजिए, ठीक करवाते हैं। जो नौजवान समाज की रीढ़ की हड्डी, कल का देश का भविष्य है, वो गलती से नशे में इन्वॉल्व हो गया, वो सुधरना चाहता है लेकिन नशे ने उसको जकड़ लिया, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, उसके साथी उसके दोस्तों उसका साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। और उसको पेरेंट्स की, दोस्तों की जरूरत है, रिश्तेदारों की जरूरत है। उसको डिटेंशन सेंटर में भेजिए, उसका इलाज करवाइए, एक बार भेजिए, दो बार भेजिए, तीन बार भेजिए, चार बार भेजिए, जब तक वो सुधरता नहीं है उसको पूरा सपोर्ट करिए। और कठुआ में हमारे अच्छे पुलिस ऑफिसर, पहले उन्होंने भी अच्छा काम किया, अब भी ऑफिसर हमारे अच्छे हैं, SSP साहब ने पहले ही बड़ा अच्छा काम किया, जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में ये रहे बड़ा अच्छा काम किया। मुझे उम्मीद है कि अगर कठुआ के लोग, जो बच्चे नशे में इन्वॉल्व हैं, सुधरना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स और सारे सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के हित में कार्य करना चाहते हैं, और पुलिस
और जनता मिलके नशे के खिलाफ मुहिम चलाएगी तो कठुआ जरूर ड्रग्स फ्री बनेगा। और मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मिलके शराब के खिलाफ मुहिम चलाएं और मजबूरन सरकार को अपना जम्मू कश्मीर जो है वो ड्रग फ्री और अपना शराब मुक्त ड्राई एरिया उनको घोषित करना पड़ेगा। बाकी मैं दोबारा आपको अपील करना चाहता हूं, खासकर डिपार्टमेंट के लोगों से, प्लीज ऐसा कार्य करें जो समाज के हित में, ऐसा कार्य ना करें जिसमें मजाक लगे। शुक्रिया। जैन जवाहर।